अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं साकी टेक। नथिंग फोन वन का पबजी अरेना रिव्यू कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। स्पेसिफिकेशन में बताता चलूं तो कॉलकम स्नैपड्रैगन 778G प्लस 5G की चिपसेट लगी हुई है इस फ़ोन में। GPU एड्रेनो 642L, रैम 8GB और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको डिस्प्ले में इस फ़ोन के। और मैं गेम की ग्राफिक्स बताता चलूँ, स्मूथ एक्सट्रीम, HDR अल्ट्रा, अल्ट्रा HD की इस फ़ोन में सपोर्ट नहीं है तो स्मूथ एक्सट्रीम पे रख लेता हूँ मैं। और ऑडियो क्वालिटी अल्ट्रा, वीडियो की एंड में मैं बताऊँगा कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं। फ़ोन की ग्राफिक्स ठीक है, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं।
साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टच काफ़ी अच्छा है 120 हर्ट्ज की वजह से, और फ़ोन में लैग बहुत है। एक दो बंदों तक तो ठीक है, बंद जब स्क्रीन पे एक साथ तीन चार एनिमीज आ रहे हैं तो फ़ोन को ख़ुद भी नहीं पता लग रहा है कि मुझे क्या करना है। अगर आप गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 घंटे इस फ़ोन पे गेमिंग करके देखा है तो ये फ़ोन जितना ज़्यादा हीट कर रहा है उतना ही ज़्यादा लैग कर रहा है। और ये फ़ोन जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें आपको 90 FPS सपोर्ट वाले मोबाइल मिल जाएंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेमिंग करने वाले फ़ोन्स मिल जाएंगे। ये फ़ोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर छोटी मोटी गेम्स खेलनी है तब तो ठीक है, बट हैवी गेम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर इस फ़ोन का फुल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।